मेरी मुलाकात कराई विवेक ने इनसे एंड हम सारे बैठे एंड हमें बहुत अच्छा लगा आइडिया एंड आई सेड व्हाई नॉट, आई थिंक इस फिल्म को बनाया जाए, आई थिंक ये आनी चाहिए बाहर एंड हियर वी आर, फिल्म तैयार है और रिलीज हो रही है। फिल्म के बारे में कुछ बता पाएंगे किस किस क्या किरदार निभाते आप नजर आएंगे और क्या पूरी फिल्म में आप अकेले किरदार हैं? हाँ एक्चुअली पूरी फिल्म में मैं अकेला किरदार हूँ जिसके अराउंड पूरी फिल्म है। वो एक लड़का है ब्लैक ब्रीफ केस लेके घूम रहा है और वो क्या करना चाह रहा है वो आप फिल्म देखेंगे तो मैं चाहूँगा आप जाने। टेररिस्ट का एक कैरेक्टर निभाया है और किस तरह की कश्मकश में है वो दर्शाया गया। एक एक अकेला किरदार, एक ब्रीफ केस, दो लोग हो गए, एक एक प्रॉपर्टी और एक जी इंडिविजुअल, हाँ ये कितना चैलेंजिंग रहा और जो बात ऑडियंस को कहनी है फिल्म के माध्यम से क्या वो कह पाए हैं और कितना चैलेंजिंग रहा है सब कुछ करना? यार कह पाए हो या नहीं ये तो ऑडियंस ही बताएगी बिकॉज मैंने तो अपनी तरफ से कही है, बाकी तो ऑडियंस जनता जनार्दन होती है वही बताएंगे। बाकी डिफिकल्ट डेफिनेटली रहता है बिकॉज आपके पास को एक्टर्स हों, आपके पास लाइंस हो, डायलॉग्स हों तो आपको रिएक्शंस मिलते हैं, बट एक अकेले रूम में बैठ के इमोट करना जहाँ पे कुछ नहीं हिल रहा, कुछ नहीं है, तो वहाँ से इमोट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है। लाइंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, सो थोड़ी डिफिकल्टी आई बट मज़ा डेफिनेटली बहुत आया बिकॉज सीखने को मिला कि विदाउट लाइंस, विदाउट डायलॉग्स, विदाउट एनीथिंग अराउंड यू कैन स्टिल इमोट। मनीष, क्या आपको लगता है एक 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 यूनिक यूनिक तरीका अपना है, यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक बहुत यूनिक है, एक किरदार जो कुछ बोलता नहीं, एक प्रॉपर्टी ब्रीफकेस, आपको लगता है इस तरह की शॉर्ट फिल्म जो फेस्टिवल होता है फिल्म को फेस्टिवल की तरफ भी रुख करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं इनफैक्ट चाहूंगा मैं अपनी फिल्म भी फेस्टिवल्स में भेजूँ। फिलहाल मुझे मैं मेरा मेजर मकसद ये था कि लोग देखें, हमारी जो जनता है, मेरे जितने भी फैंस हैं, जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, वो एक डिफरेंट तरह का मनीष पॉल भी देखें। और अभी तक जितने दोस्तों ने देखी है उन्होंने कहा है कि एक डिफरेंट तरह का अवतार सामने आया है। इनफैक्ट फिल्म में तो मनीष पॉल लग ही नहीं रहे हो, विच इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गेट बिकॉज ये फिल्म मैंने एक कैरेक्टर निभाया है, मनीष पॉल नहीं निभाया है, सो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है कि किरदार ट्रैप हुआ है, फंस गया है तो वैसा कर रहा है और या वैसा करना नहीं चाहता, उसकी अपनी कश्मकश है, मजबूरियां हैं? यार एक्चुअली वही चीज़ें दर्शाई हैं कि किस तरह उसकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, किस तरह उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे हैं, अब उन सवालों के जवाब उसको मिलते हैं या नहीं, इस कैरेक्टर को उसी में फंसा के रखा है और किस तरह उससे निकल पाता है नहीं निकल पाता है इस पे कहानी। इंडस्ट्री में जो आपके दोस्त हैं या हैं जहां आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, क्या किसी को दिखाया है, क्या उनके फीडबैक क्या हैं? यू ऑलरेडी वर्क इन सो मेनी फिल्म आल्सो। बिल्कुल यार बहुत दोस्तों को दिखाया है मैंने अभी फिलहाल, अनु मलिक जी इंडियन आयल में मेरे साथ काम करे एंड मैं उनको स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था सर आप आके देखें, उन्हें बहुत पसंद आई। रमेश तोरानी जी आए थे, टिस्का चोपड़ा जो कि खुद विनर रही हैं अगर शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने खुद बनाई थी, वो बहुत इम्प्रेस थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर रिएक्शन बिकॉज वो इस एरिया को जानती हैं, वो इस मीडियम को ज़्यादा अच्छा समझती हैं, सो उन्होंने जब कहा कहते नहीं यार ये बहुत अच्छा आइडिया एंड मुझे बहुत अच्छी लगी, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। और एक टेररिस्ट का किरदार है इसमें, एक और चीज़ का हमने खास ध्यान रखा, हमने टेररिस्ट को हिंदू या मुसलमान नहीं दिखाया बिकॉज हम सबका मानना यह था यार टेररिज्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है उसका, टेररिज्म यहाँ है तो टेररिज्म हिंदू या मुसलमान नहीं होता, एक आदमी टेररिस्ट होता है, एक इंसान टेररिस्ट होता है, सो आई थिंक वो यहाँ की उपज है, तो उसका भी हमने ध्यान रखा कि नहीं यार हमें इसमें नहीं पढ़ना, कि इसीलिए हमने कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं रखा है फिल्म में, कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा अच्छा कैरेक्टर का नाम क्या, मैंने कहा कोई है ही नहीं नाम, हमने दिया ही नहीं, अब वो हिंदू है या मुसलमान, आप मुसलमान है आप खुद सोचो, अपने दिमाग से दिमाग लगाओ और क्या आपको लगता है कि ये कोई रिलीजन का होना चाहिए था? मुझे नहीं लगता, ये यहाँ की सोच है, यहीं पर होनी चाहिए। क्या ड्यूरेशन होगा फिल्म का, क्या कल फिल्म ऑनलाइन रिलीज होने जा रही है? हाँ यार 16 मिनट की फिल्म है ये, कल फिल्म रिलीज होने जा रही है, नर्वस है, एक्साइटेड है, क्योंकि एक अलग तरह का मनीष पॉल, एक तरह एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मनीष। आर यू नर्वस, एक्साइटेड, और डू यू थिंक इट्स अ रिस्क डूइंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स व्हिच यू हैव नेवर डन इन पास्ट? यार मुझे रिस्क से तो बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, और जहाँ तक बात है डर या नर्वसनेस, मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ इस टाइम बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म देख के एंड मेरे दोस्तों को बहुत मज़ा आया, मुझे यकीन है लोगों को भी पसंद आएगी। बाकी हाँ नर्वसनेस डेफिनेटली होती है, एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक फिल्म जो हमने इतने प्यार से बनाई थी अब वो हमारी नहीं है, अब वो आपकी हो चुकी है, सो अब रिएक्शंस आपके हैं, जो भी होगा सर आंखों। ओके, प्रोडक्शन में भी आप आ गए, स्टार्टेड अलोंग विद योर ब्रदर, वो किसका मतलब
are you the one who look into the business part ki aap chalo production chalu karte hain, aur your brother comes ahead and he said ki Manish aisa kuch kar. Nahi, ye mere brother ka zyada contribution rehta hai ki aisa karna chahiye ya ye film karenge ya kuch aur plans jo rehte hain, wo zyada tar Vivek jo hai wo department unka hai aur wo bakhoobi sambhalte hain. Ye film bhi unhi ka idea tha, Black Briefcase, ki isko aise karenge, kaise banana hai, kya hai. So वो आइडिया उनका रहता है. मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहता हूँ शूट्स में, स्क्रिप्टिंग में, इन चीज़ों का मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ. ओके, इन फ्यूचर देयर अ पॉसिबिलिटी यू विल बी कमिंग द फुल फ्लेज कमर्शियल मसाला फिल्म प्रोड्यूसिंग फ्रॉम योर एंड योर प्रोडक्शन हाउस? यार एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड वन, तो उसका पोस्ट का काम चल रहा है एंड बहुत बहुत अलग तरह की फिल्म बनाई है. इट्स अ मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री, एंड अगेन मेरे कैरेक्टर जो उसमें है वो बहुत ही अलग है. मतलब जब मैंने वो अगेन वो कैरेक्टर किया था, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है अगेन, जो कहीं फनी भी होने लगता है लेकिन बड़ा सटल ह्यूमर है उसका. सो वो भी एक फिल्म हमने करी है. क्या ये प्रोडक्शन हाउस की कुछ कंडीशन है कि मनीष को लेके फिल्म बनाएंगे, आउटसोर्स नहीं करेंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं है. हम तो और लोगों के साथ भी कर रहे हैं, बट हाँ जब तक मैं अपने प्रोडक्शन का फायदा उठा सकता हूँ मैं तो उठा रहा हूँ. तो मैंने अपने भाई को बोला यार अभी दो तीन फिल्मों में तो मुझे ही हीरो लो, बाकी देख लें. तो बट नहीं, विवेक और मेरा दोनों का थॉट बड़ा क्लियर है यार. ऐसा नहीं है कि अपनी फिल्म में तो मैं ही आऊँगा. अगर मुझे लगता है कोई कैरेक्टर आता, नहीं यार ये मैं नहीं यार, वो आदमी या वो एक्ट्रेस अच्छा कर सकते हैं, व्हाई नॉट. तो अभी तो हम अपने अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करें. अभी एनिमल टेस्टिंग चल रही है प्रोडक्शन हाउस की, तो फिर जब हम थोड़ा अच्छा करने लगेंगे हम सबको बुलाना चाहेंगे. यार अभी फिलहाल ये ब्लैक ब्रीफ केस, उसके बाद एक और फिल्म मैंने कम्प्लीट करी, इट्स अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड बंजर. एक ये फार्मर्स की स्टोरी है, और उस फार्मर्स की स्टोरी में हमने एक ट्विस्ट डाला है जो कि बहुत इनकरेजिंग है, बहुत अमेजिंग है. तो वो है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक मर्डर मिस्ट्री है जो हमने कंप्लीट करी है. सो अलग अलग तरह के अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग चीज़ें, मुझे एक अलग लाइट में दिखाना, वो हमारी टीम का आइडिया. वो कहते नहीं यार आप जब भी फिल्म करो हमारे साथ आप एक अलग लाइट में होने चाहिए. सो आई थिंक उन चीज़ों का हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. हाँ यार, बस फैंस को यही कहना चाहता हूँ, फिल्म रिलीज हो प्लीज़, जाके इमीडिएट जाके दनादन देखें ये फिल्म, सबको बोलें ये फिल्म देखें. बहुत एक नया एक एफर्ट किया है मैंने, मेरी पूरी टीम ने. अच्छी फिल्म है, आप इंजॉय करेंगे, थ्रिलर है एकदम, आप ऐसे ग्रिप्ड रहेंगे कि अब क्या होने वाला है. सो अगर आप वैसा सिनेमा इंजॉय करते हैं, डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट फॉर ब्लैक ब्रीफ केस. ओके मनीष, अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ है जी, एक बहुत बेहतरीन नेता, एक कवि, और हालांकि ऑपोजिशन तक उनको उनकी तारीफ करती रही आई है कि वो विपक्ष में रहने के बावजूद भी एक बेहतरीन नेता रहे हैं. कितना बड़ा, कितनी बड़ी क्षति है हिंदुस्तान के लिए अटल जी का जाना? यार बहुत बड़ा लॉस है. आई थिंक सबसे बड़े नेता में इनका नाम है. देश के लिए इन्होंने जो किया है सब जानते हैं. आप खुद ही बोल रहे हैं, ऑपोजिशन जिनकी तारीफ करे उससे बड़ा क्या हो सकता है. पॉलिटिक्स में तो यही होता है, ऑपोजिशन एक दूसरे से लड़ती रहती है, वही पॉलिटिक्स है. इसमें ऐसा नहीं है उनके पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है, अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन उसमें भी ऑपोजिशन उनकी तारीफ करती थी. आई थिंक हर देशवासी उन्हें बहुत प्यार करता था, वो हर देशवासी को बहुत प्यार करते थे, और बच्चों की तरह रखते थे, और देश का बहुत ध्यान दिया. सो आई थिंक डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा लॉस है. थैंक यू सर. देख इंडियन आइडल करते हैं, उसमें भी तो माइक दिखता है ना. हाँ भाई, सबसे पहले ब्लैक ब्रीफकेस मैंने जो है शॉर्ट मूवी देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम आपको डिफरेंट अंदाज में देखते हैं. लाइक हम आपको कॉमेडी शो में देखते हैं, अवार्ड शो में देखते हैं, आप लोगों के साथ में फन करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ ये एक मतलब एक डिफरेंट अंदाज में, एक डिफरेंट बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे कुछ अलग किया जाए. यू नो सेम तरह का काम तो कर ही रहा हूँ, होस्टिंग हो रही है, कॉमेडी फिल्म्स भी कर रहा हूँ, बट सोच रहे थे कि क्या एक नया एंगल निकाले लाइफ में, जहाँ पे वो कि हाँ यार ओह ये क्या था, एक शॉक वैल्यू. और तभी ये स्क्रिप्ट जो है हमारे पास आई एंड हमने कहा यार ये करना चाहेंगे. सो ऑब्वियसली डिफरेंट था, मैं ग्रे कैरेक्टर में, नो डायलॉग्स, ग्रंजी लुक, गंदे कपड़े, यू नो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मनीष पॉल से अलग है. सो तभी हमने कहा यार ये करते हैं. मैं बहुत एक्साइटेड था ये करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि डायलॉग डिलीवरी नहीं है जो आपके जितने भी सीन है. सेट पे भी ऐसा ही कुछ माहौल था, आपने किसी से बात नहीं की, लोग ऐसे इंतजार कर, अरे मनीष कुछ ऐसे एक
कॉमेडी निकालेगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कैसे नहीं आपने यार। आपको कंट्रोल करके रखा, क्योंकि आप हैं लोगों को हंसाने वाले। यार था बड़ा मुश्किल, बिकॉज हाँ मेरे लिए चुप रहना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मुझसे अगर कोई पूछे लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या है, तो मैं कहूँगा चुप रहना। मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। और ये फिल्म जब आई थी, उन्होंने कहा यार डायलॉग्स नहीं होंगे। मैंने कहा डायलॉग्स नहीं होंगे मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे करूँगा। सो बट हाँ, ऑब्वियसली तैयारी करनी पड़ी, थोड़े दिन बिल्कुल शांत रहना। शूटिंग पे मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करी, मतलब डायरेक्टर से सिर्फ बात करता, हाँ क्या होगा सर, ये होगा, ये होगा, ओके कट। अपना काम किया, चुप करके साइड में बैठ गया। एंड मैंने उनको पहले ही बोला था, मैंने कहा कोई वैनिटी वैन नहीं चाहिए मुझे, कोई लाविश ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे कि फ्रूट्स आ रहे हैं और ये हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक खाना आ रहा है वो खाऊंगा। और जहाँ मार्केट्स में शूट करते हुए किसी की दुकान के बाहर बैठ जाता था, तो उस तरह था कि एक फील रहनी बड़ी ज़रूरी थी, वरना फिर मनीष पॉल जाग जाता है, जो मुझे था बिल्कुल इस फिल्म के लिए बिल्कुल शांत हो जाए मनीष पॉल। तो वो हुआ एंड बहुत मजा आया काम करके। एंड क्योंकि मैंने सुना है कि एक एज एन एक्टर या एक एक्टर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर का मॉडल हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये वो रीजन था कि आप डिफरेंट कैरेक्टर आपने लोगों के सामने आप लाने वाले? बिल्कुल यार, क्योंकि एक एक्टर जो होता है ना, वो अच्छी खुराक ढूंढ रहा होता है। तो ये एक अच्छी खुराक मिली मुझे, एक क्रिएटिविटी के लिए, एक अंदर के एक्टर को खुश करने के लिए। क्योंकि होस्टिंग मैं ऑलरेडी बहुत करता हूँ, मैं बाकी कॉमेडी फिल्म्स भी कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा चाह रहा था मैं कि एक अपने आप को होता है ना कि यार कुछ अलग करेगा, तो लिटरली अपने आप से आप सवाल पूछते हो, तो होता है हाँ यार कुछ अलग करते हैं। सो दैट वॉज द आइडिया। तो मैंने कहा हाँ, आई वॉन्ट टू डू दिस, सो दैट्स वाई। स्क्रीनिंग के मौके पर मैंने देखा ढेर सारे लोग आए, जिसका चौपड़ा हाँ जी जी, क्या फीडबैक था वहाँ से? यार बहुत अच्छा, रमेश तोरानी सर आए, अनु मलिक साहब थे, टिस्का थी, सब ने एक ही बात कही, यूलिया थी, सब ने एक ही बात कही, हमने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा पहले। यू नो वो एक्चुअल हो रहा था, ओह वाओ ये क्या है। सो यू नो दैट काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, बिकॉज वही मुझे चाहिए था। कहते हैं पहले शॉट में ना तू डरावना लग रहा था, ऐसे लग रहा था अब ये कुछ करने वाला है। तो मैंने कहा हाँ बस, दैट वॉज द आइडिया। यू नो इस कैरेक्टर से आप अटैच नहीं हो पाते, आप कहते ये करने क्या वाला है। यू नो आपके दिमाग में पूरी फिल्म में क्वेश्चन रहता है ये करने क्या वाला है। सो वो वही आइडिया था, अगर वो कन्वे हो जाए तो यार अपना काम हो गया। जी, क्योंकि जो फिल्म में एक मैसेज है लाइफ का टर्निंग पॉइंट, कौन सा रास्ता चूज किया, मनीष पॉल ने ये कब चूज किया कि अब मुझे जो है एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मुझे पता है आप आरजे थे, जिस तरह से आप आए हैं, अपने आप को निकाला है और आज फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम है, कब ये आपने चूज किया कि ये रास्ता मुझे चूज करना और इस तरह के कॉमेडी शो, फिल्में, होस्ट, ये सब कुछ करना? ये स्टार्टिंग से ही था मुझे, मैं आई वॉज वेरी क्लियर मुझे हीरो ही बनना है। मैं घर में हमेशा, मैं बचपन से ही यही रहता कि ये घर का हीरो है भाई, ये हीरो की तरह रहता है। अच्छा। तो कपड़े भी वैसे पहनने, गाने गाने, टशन मारना, वो मेरा स्टार्टिंग से ही था। सो आई वॉज वेरी क्लियर, तो कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा मुझे, मतलब फ्लो में था। पढ़ाई कर रहा हूँ, करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी करना मुझे यही है। सो वो बचपन से क्लियर था यार। बहुत सपोर्ट रहा, बिकॉज घर वालों का सपोर्ट ना हो तो आप पहुंच नहीं सकते यहाँ तक। बिल्कुल उन्होंने कहा हाँ मुंबई जाना जाओ, एंड बहुत बहुत उनका सपोर्ट रहा है, उन्हीं के सपोर्ट के कारण यहाँ तक आया हूँ। जी, आपके भैया से मैंने बात की, उनका कहना है कि हम इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में लाने वाले हैं मनीष को स्क्रीन पे। बिल्कुल, जो आप पाजी का जो किरदार कर रहे हैं, बिल्कुल यार, ये एक्चुअली विवेक पॉल जो मेरे बड़े भाई हैं, ही इज द को प्रोड्यूसर विद मी, उनको बहुत कीड़े हैं ये। मैं उसको बोलता हूँ यार तेरे बहुत कीड़े हैं, बड़ा भाई है, तो वो कहे अच्छा अपना तू ये कर, अच्छा अपना ये करते हैं। तो वो बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट्स निकाल निकाल के ला रहा है, तो उसका यही काम है, वो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स सुनता है, उनमें और क्रिएटिविटी हम लोग मिलकर डालते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी टीम है हमारी, मैं हूँ, मेरा भाई है, हमारी ये जो सारी टीम जिन्होंने ब्लैक ब्रीफकेस बनाई है, अभी हम और फिल्में भी कर रहे हैं अक्सर, तो वो एक अच्छा है। तो एक और किरदार जो अगली फिल्म में, मैं सरदार का किरदार निभा रहा हूँ, और अगेन बहुत सीरियस इंटेंस सरदार है वो, और उसकी लाइफ में कुछ बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और किस तरह उसको वो सीधा करता है, यू नो। सो दैट्स अगेन बहुत बहुत अच्छा मैसेज है उसका, मतलब वो फिल्म का मैसेज मैं जब भी सोचता हूँ और सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, बहुत अच्छा लगा, यू नो। तो इस तरह का काम करें यार, जो एक मैसेज भी दे, खुद भी क्रिएटिव जो फायर होती है वो भी सेटिस्फाई हो, यू नो। सो ऑल दोस थिंग्स वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ। कॉमेडी फिल्म भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ कॉमेडी फिल्म्स भी आ रही हैं। इंडियन आइडल पे बहुत कॉमेडी ऑलरेडी मैं कर ही रहा हूँ, लोग देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आई थिंक इन अ हैप्पी स्पेस यार। जी, एंड आने वाले दिनों में
जी हाँ, नहीं मैंने भाईजान को भेजा यार, भाईजान इज वेरी टाइड अप माल्टा में, सो वो मुझे वही बात चलती है कि भाईजान तक पहुंच गया लेकिन बट वो भी शांति से बैठ के देखना चाहेंगे, सो उनका अभी बहुत टाइड अप चल रहा है एंड जस्ट वेटिंग कि कब वो देख के मुझे फटाफट कॉल करें, तो रोज मैं फोन देखता हूँ, अरे भाई का फोन नहीं आया, भाई का फोन नहीं आया, सो जिस दिन देखेंगे आई एम श्योर मुझे कॉल करेंगे। हाँ वो तो आपके काफी करीब, नहीं नहीं डेफिनेटली यार, वो नाम लेते हैं कि भाई मुझे अगर वो गोश्त चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मलेश को। हाँ ये बात है, हाउस में आपके शो में, उनके शो में भी हमने देखा आप गए हुए थे। जी जी जी। आने वाले दिनों में और हम किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में देखेंगे हम आपको? यार एक्चुअली बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम, एक मैंने आपको बताया सरदार का किरदार है, एक और कैरेक्टर है वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, टू अर्ली है, बट वो मतलब पागल कैरेक्टर बनाया हमने, वो मतलब आप देखोगे मतलब मैं वो वन ऑफ द फेवरेट टेस्ट कैरेक्टर्स होने वाला मेरा जब वो बड़े पर्दे पे आएगा, सो हम उसकी प्लानिंग हमारी है कि वो बड़े पर्दे पे लाना, तो इसी तरह की बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मनीष पॉल जो है उसको जब हम बड़े पर्दे पे लाएं या किसी फिल्म में लाएं तो मनीष पॉल ना लगे, तो इस तरह की भी चीज़ें बना रहे हैं और फिल्म ऐसी बना रहे हैं जो क्रिएटिवली लोग देख के गए हाँ यार कुछ अलग था, यू नो सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट। वो भी आपके भाई प्रोड्यूस? जी हाँ वो भी इकट्ठे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। चलिए जाते जाते क्योंकि आई थिंक कल ही ऑन एयर होने वाला है, कल ऑन एयर होना। जी तो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे ब्लैक ब्रीफकेस के जरिए? यार जितने भी फैंस हैं उनको तो पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, अब तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मैंने जो भी काम किया उसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, यहाँ पे भी साथ की बहुत जरूरत है, मेरी पहली शॉर्ट फिल्म आ रही है ब्लैक ब्रीफकेस और मैं डेफिनेटली चाहूंगा प्लीज ऑनलाइन जाएं ये फिल्म देखें एंड जितने लोगों तक हो ये फिल्म पहुंचाएं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसमें एक बहुत प्यारा सा मैसेज है वो सब तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू।